सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज सनी भोंसले, सीनियर फैकल्टी एट अभिमन्यु IAS। सो आपके सामने एक सवाल है, बहुत अच्छा सा सवाल है। अपना स्टार्टता हूँ सर, व्हाट वी नीड। देखिए, जो 2023 का पेपर आया उसके बाद ना बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है मेरा, व्हाट वी नीड, हमें क्या चाहिए। कुछ अलग करना होगा या वही पुरानी घिसी पिटी स्ट्रेटेजी के साथ चल के हम CSAT को क्वालिफाई करेंगे। मतलब कोई पूछेगा क्या वो CSAT में, हाँ क्वालिफाई कर लिया, क्वालिफाई हो गया। पहले पहले बोला क्वालिफाई कर लिया, दूसरा क्वालिफाई हो गया, लगा थोड़ा पहले वाला पिच हाई था, दूसरे वाला लो था। रीज़न क्या है, पहले वाले बच्चे ने ना 100+ मार्क्स लिए हैं, जिसने हमारी स्ट्रेटजी को फॉलो किया, अभिमन्यु IAS की स्ट्रेटजी को फॉलो किया। दूसरे वाले ने क्या किया, बस 2-3 महीने तैयारी की, आसानी से किया नहीं, पॉइंट पे पास हो गए बिल्कुल। उसको पता भी नहीं था कि उसका होगा कि नहीं होगा, सरप्राइज था वो खुद बच्चा। तो उसके दिल में एक डर था कि यार कोई मार्क्स तो नहीं पूछ लेगा, कोई ये तो नहीं कर लेगा, कोई वो तो नहीं कर लेगा। सो क्या क्या था ये, क्योंकि जो बच्चा सिलेक्शन लेगा ना वो एक नंबर भी नहीं छोड़ेगा, चाहे वो क्वालिफाइंग ही क्यों है। वो कहेगा भैया बढ़िया तैयारी करनी, मैं ऐसे नहीं जाऊँगा घिसे पिटे रूप से। मैं जब CSAT का पेपर दे के आऊँगा ना, मुझे कॉन्फिडेंस होगा कि मैंने कुछ किया है। मैं डल से फेस के साथ बाहर नहीं आऊँगा, हाँ यार ठीक ठाक ही हुआ है, बाकी देखते हैं। ठीक है, मैं बैठ के प्रार्थना नहीं करूँगा, मैं भगवान को इतना बोलूँगा, भगवान मैंने मेहनत की है, उस मेहनत का मुझे फल दे, दैट्स इट। बस देखते हैं, एक और क्वेश्चन है मेरे पास, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट, यही होता है, पता होगा आपको। नेक्स्ट, वी नीड ओनली 33% और ओनली, मैंने यहाँ पे क्या एक वर्ड ओनली का यूज़ किया, वी नीड ओनली 33% मार्क्स और 67 मार्क्स टू पास द UPSC CSAT एग्जाम। क्या मतलब है इसका, कि हमें सिर्फ और सिर्फ 33% मार्क्स चाहिए या 66.6 यानी 67% मार्क्स चाहिए मुझे। सोच के देखिए, क्या ये सही है, बिल्कुल सही है। बट क्या इस माइंड सेट के साथ एग्जामिनेशन हॉल में उतरना मूर्खता नहीं है, कुछ सोच के देखिए। अगर इस माइंड सेट के साथ मैं एग्जामिनेशन में बैठ गया तो मेरे ऊपर सेल्फ क्या है, सोचे देखो क्या, हाँ जी वही जो आप सोच रहे हो, क्या प्रेशर है मेरा खुद का मेंटेन किया हुआ कि यार 67 मार्क्स तो लेने ही लेने हैं, जैसे मर्जी जितने मर्जी क्वेश्चन कर लो, तो बट 67 मार्क्स लेने मुझे पास होने के लिए। तो क्या है, गलत माइंड सेट नहीं है? यस, दिस इज टोटली रॉन्ग माइंड सेट। आप एक गलत अप्रोच के साथ एग्जामिनेशन हॉल में जा रहे हैं। ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको, बट एग्जामिनेशन हॉल में बैठते वो डर नहीं होना चाहिए कि मुझे 67 मार्क्स तो लेने लेने हैं। मैं आज दावा कर रहा हूं यार, बता रहा हूं आपको मैं, कि मेरे पास आओ 100+ मार्क्स आएंगे हर बच्चे के। 10 से बैच शुरू हुआ है, अब देखो बच्चे जो आए थे शुरू में कितना डर था, 2 क्लासों के अंदर ही फूल जैसे चेहरे हैं मेरे बच्चों के, इतना बढ़िया पढ़ रहे हैं वो। बट अगर सोचते रहोगे तो ना अभिमन्यु IAS ना मैं कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा आपकी। रीजन, अगर आप ये कहोगे लास्ट के 2 महीने में, भैया 2 महीने में क्या कर लोगे, जब पूरे साल में बच्चों के करके हाल देख लिया आपने 23 में, तो क्या कर लोगे आप 2 महीने में। ठीक है, वही बच्चे हैं जो कह रहे हैं कि सर क्वालिफाई नहीं हुआ। एक बच्चा वो है जिसने 8 महीने 10 महीने 12 महीने तैयारी की है और अब मेंस की तैयारी में लगा हुआ है। रीजन क्या है इसका, वो IAS भी बन जाएगा एक दिन भाई, आप देखते रहना, आप CSAT के पीछे पड़े रहना। ऐसे ऐसे बच्चे हैं, मैं आपको फोटोएं दिखा चुका हूँ, 120+ मार्क्स हैं CSAT में, बट GS पेपर 1 में 120+ मार्क्स है, बट 55-57 नंबर CSAT में। क्या फायदा ऐसे GS पढ़ के, क्यों टाइम खराब कर रहे हो, क्यों अपना पैसा वेस्ट कर रहे हो, क्या जरूरत है, जाओ भाई कुछ और कर लो। जब इतना ही डर है किसी एग्जाम से तो तैयारी क्या करोगे, छोड़ दो तैयारी, आपके पास का नहीं है। रीजन क्या है, भेड़ चाल, सबसे बड़ा रीजन मैं बता दूं। एक ने बोला पेपर मुश्किल है, 100 ने बोल दिया पेपर मुश्किल है, और जो बच्चा फोकस था ना, जिसने बढ़िया पेपर दिया उसके लिए कोई कुछ मुश्किल नहीं था। भाई 10,000+ बच्चे हैं जिन्होंने यार CSAT क्वालिफाई किया था, मजाक थोड़ी ना चल रहा है, कोई 5-7 बच्चा थोड़ी ना है, नंबर देखो कितना बड़ा है, 10-12 हज़ार बच्चा है। सो वो बच्चे कौन थे, कौन थे, आप में से ही थे जिन्होंने इस लाइन को एग्जामिनेशन में सोचा नहीं, वो सिर्फ कराया है। उन्होंने नहीं सोचा, उन्होंने अपने एरिया पिक कर लिए, उन्होंने अपने एरिया पिक कर लिए कि मुझे कौन से एरिया पे काम करना है, कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या मैं सही कर रहा हूं।
अपने आप से क्वेश्चन था उनका, क्या मैं सही कर रहा हूँ या बाकियों की तरह हाथ प्यार धर के रह रहे पूरे साल जीएस पढ़ते रहो, लास्ट के 2 महीने में सीसेट पढ़ लेंगे, नहीं हुआ फिर 1 साल पढ़ना पड़ रहा। यार एक बच्चा जो सीसेट क्वालिफाई कर गया ना, वो 1 साल सीनियर हो गया आपसे, यूपीएससी कर भी चुका है वो, जब आप अगली बार पेपर दे रहे होंगे क्या पता वो बच्चा आईएएस भी बन चुका है, समझ रहे हो? और आप अभी तक वहीं के वहीं बैठे हो। आपके साथ वाला बच्चा पढ़ रहा है मैथ, उसे देखे हाँ 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 मैथ पढ़ रहा है यार अभी से, क्यों भाई? उसको पता है क्या करना चाहिए, वो सही लाइन पे है, आप गलत हो अगर आप नहीं पढ़ रहे हो अभी से। सो अप्रोच को डिवेलप करो, थोड़ा सा सोचिए कि क्या आपको ये माइंडसेट रखना बहुत ज़रूरी है कि मुझे सिर्फ 67 मार्क्स ही लेने। आपकी कैपेबिलिटी 100 प्लस मार्क्स की है, बट क्यों आपका माइंडसेट सिर्फ 67 के बराबर का है? तो भैया 67 का माइंडसेट रखोगे तो 50 नंबर भी नहीं आएंगे, तैयारी 200 की होगी जब 100 प्लस नंबर लाने की तैयारी रखता हूँ मैं। सो माइंडसेट गलत के साथ अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे तो डेफिनेटली पेपर में कुछ ना कुछ गड़बड़ होनी पक्की है, बिकॉज आपने एरियाज बांट लिए कि यार मैंने देखे हैं बच्चे, बात की हैं, उसी के बाद वीडियोस बनती हैं। ऐसे थोड़ी ना कि मैं आया कुछ भी देखा और कुछ भी बना दिया, बच्चों से बात होती है प्रॉपर कि सर 20 मार्क्स मैंने सी सेट के लिए रखे, मैथ से 15 लूँगा, ऐसे 15 लूँगा, ऐसे मेरा हो गया। भाई ऐसे कैसे हो गया? आपको कन्फर्म है 15 आ जाएंगे आपके? कन्फर्म है 20 आप ले लोगे मैथ में या क्वांट में? नहीं, कुछ भी नहीं है, क्योंकि पेपर जब तक हाथ में ना आए मैं कुछ नहीं कह सकता या कह सकती। तो इस चीज़ को आपने आराम से देखना है। हमारा अभी नया बैच शुरू है भाई, आइए 100 प्लस मार्क्स लेके आओ यार, ताकि आप भी कॉन्फिडेंट कह सको सी सेट तो मैंने किया, पेपर नंबर देखना कितने आएंगे, समझ रहे हो? सो डर खत्म कर दो, डर खत्म। अगर डर खत्म तो भाई जग जीता, याद रखना मेरी बात को। सो प्लीज़ 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 पढ़ना शुरू कर दो, जुड़िए हमारे साथ, तब मैं आपकी कोई हेल्प कर पाऊंगा। थैंक यू। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए चैनल को। मिलते हैं जल्दी, थैंक यू।